Hello friends, you are watching Haryali Online. Today in Haryali Online, I'm going to share the collection of my pothos. Money plant की सभी variety आज आपके साथ share करने लगी हूँ. Because today is Sunday, तो Sunday के दिन कुछ special होना चाहिए. You can see this is my golden pothos. तो golden pothos की ये cutting है और मजे की बात कि जितनी भी money plant आपके साथ share करूँगी वो सब मेरी cuttings के through बड़ी हुई हैं. Cuttings के through grow की हुई हैं. This variety which you can see at this time, this is the neon pothos. Neon pothos के colors बहुत light होते हैं, as you can see here, very light grapes green color. बहुत देखने में खूबसूरत, बहुत fresh look देते हैं when I water on them. तो ये अपनी color scheme की वजह से, because I have kept it beside the dark green colors. तो इसलिए ये देखने में और भी खूबसूरत लगते हैं. This is also the variety of golden pothos. गोल्डन पोथोस का टेक्सचर कुछ ऐसा होता है कि उसमें जितना ग्रीन एरिया होता है उतना ही उसमें क्रीम एरिया भी होता है. तो ये छोटी छोटी सी ब्रांचेस थी जो वहाँ मैंने कटिंग करके लगाई और अभी वो इतनी ख़ास बड़ी नहीं हुई है. पूरी मोसेस्टिक उन्होंने कवर नहीं की है. ये सभी जो आप अभी देख रहे हैं ये सारी गोल्डन पोथोस ही हैं. तो डिफरेंट प्लेसेस पे कटिंग लगाई थी और अभी अच्छा खासा इनमें ग्रो हो गया. आप देखिए ये भी कितना खूबसूरत शेप. और ये जिस हैंगर में लगा हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो मेड बाई मी. इसकी एक वीडियो डाल चुकी हूँ मैं कि हाउ टू मेक दिस हैंगर कह लीजिए या मैक्रेमे कह लीजिए. बोथ आर सेम हेयर. अच्छा, दिस वन वैरायटी विच यू कैन सी हेयर, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल शेंग्रीला पोथोस. दिस इज़ कॉल्ड स्लिपिंग पोथोस टू. इन दिस लीव्स यू विल फाइंड ऑल द लीव्स आर स्लिपिंग. तो ये जो पेटल्स बंद होती है ना, यही इस प्लांट की क्वालिटी है, यही इस मनी प्लांट की क्वालिटी है. दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड द स्लिपिंग पोथोस. स्लिपिंग पोथोस इज़ नॉट अ बोटैनिकल नेम. शेंग्रीला पोथोस, यू विल, इफ़ यू राइट शेंग्रीला पोथोस ऑन गूगल, देन यू विल फाइंड दिस वन वेराइटी. द वेराइटी विच यू कैन सी एट दिस टाइम, दिस वन इज़ मार्बल पोथोस. गोल्डन पोथोस एंड मार्बल पोथोस में यही डिफरेंट होता है कि इनके टेक्सचर में बहुत क्लियरेंस आ जाती है जब ये मार्बल पोथोस की तरफ अगर हम लाते हैं. तो इस मैक्रेमे में मैंने तीन स्टैंड बनाए थे और तीनों में छोटे छोटे प्लांटर्स हैंग किए हैं. तो ये वाली जो वैरायटी है ये बिग लीव्स में है लेकिन मार्बल पोथोस ही है. तो देखिए कितने बड़े बड़े लीव्स हैं. और स्पेशलिटी दिखाऊं इस प्लांट की, इस प्लांटर की स्पेशलिटी ये है कि इसका जो प्लांटर है बहुत छोटा सा है. देखिए तो कितने छोटे से प्लांटर में कितने बड़े बड़े लीव्स हैं. थोड़ी सी दोपहर में धूप आती है तो क्योंकि प्लांटर छोटा है इसलिए लीव्स जो है वो थोड़े लैगी हो जाते हैं. अभी इनको मैंने शावर कर दिया है तो ये अच्छी तरह स्टैंड करेंगे. तो आने वाली किसी वीडियो में फिर आपसे शेयर करूँगी कि ये कैसा लुक देते हैं. मार्बल पोथोस की ये वेराइटी देखिए, हाउ बुशी दिस इज़. दिस इज़ ऑल्सो द मार्बल पोथोस इन द स्मॉल लीव साइज़. क्योंकि इसको हमेशा से इसी तरह रखा है हैंगिंग में, दैट्स वाई इसके लीव्स बहुत बड़े नहीं हुए. व्हेन यू कीप योर मनी प्लांट इन क्लस्टर ऑफ अदर प्लांट, सो ह्यूमिडिटी लेते हैं ना जब, तो वो अपना साइज़ बड़ा कर लेते हैं. तो इस वाले प्लांट को क्योंकि हैंगिंग में रखा गया तो ये अच्छा ग्रोथ हो कर रही है. ये काफ़ी बुशी हो चुकी है लेकिन इसके लीव्स का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा नहीं है. तो ये भी एक लुक है. हर तरह के लुक आप आराम से मेंटेन कर सकते हैं अपनी मनी प्लांट्स में. मार्बल पोथोस की एक वैरायटी यहाँ भी है लेकिन यहाँ लाइट थोड़ी कम है. कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए. एक लैंप ऑन तो किया है लेकिन फिर भी क्योंकि ये स्टैंड के बिल्कुल डाउन साइड पे है, दैट्स वाई ज़्यादा इसको आप क्लियर नहीं शायद देख पा रहे होंगे. बट इट इज़ ऑल्सो गेटिंग वेरी नाइस और इसमें क्रीम कलर बहुत शानदार बन गया है. मनी प्लांट की ये वैरायटी जेट मनी प्लांट या जेट पोथोस कहलाती है. यू विल नॉट फाइंड एनी अदर कलर इन इट. सिंपल ग्रीन लीव्स की ये प्लांट्स होते हैं, लीव्स होते हैं. दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड द जेड पोथोस. ये फिर से आपके सामने गोल्डन पोथोस कटिंग पर लीव जिस तरह हम लगाते हैं ना एरियल नोट के साथ, तो उस तरह ये मैंने बनाई थी. पहले इसे मैंने वाटर बॉटल में रेडी किया था. व्हेन इट गेट सम रूट देन आई शिफ्टेड इन टू द सॉयल मीडिया एंड नाउ यू कैन सी द रिजल्ट हाउ बिग साइज लीव इट हैज़. सो इन बोथ कंटेनर्स आई हैव शिफ्टेड माई दीज मनी प्लांट्स. This marble pothos is big in size in hanging pots, so I thought to share it too. इसके थोड़े से लीव्स अभी झड़ गए हैं बिकॉज ये काफ़ी ओल्ड प्लांट है. तो ये जो वैरायटी आपको दिख रही है मनी प्लांट की, बहुत ही
खूबसूरत वैरायटी है, थोड़ी सी रेयर है ये, और मेरे पास इसके शेड्स बहुत अच्छे आए हैं। जब मैं इसे छोटे से 3 या 4 लीव्स का, ये मेरा प्लांट था, जब मैं लेकर आई थी तो इसके इतने क्रीम कलर्स नहीं मेंटेन थे। ये मेरे घर में ही आने के बाद हुआ, बिकॉज़ क्लस्टर ऑफ प्लांट्स जो है ना वो एक दूसरे को बहुत हेल्प करता है ग्रोथ में। यहाँ थोड़ी थोड़ी ऊपर से इन्हें धूप मिल रही थी, दैट्स वाई आपको दिख रहा होगा इसका थोड़ा सा रफ लुक हो गया है। इफ़ आई से मनी प्लांट इज़ माई फेवरेट प्लांट, सो ये कोई ऐसी बात नहीं होगी जो सबसे ढकी छुपी हो, मेरे घर में तो सभी को मालूम है। बट जो क्रेज़ होता है ना मुझे, वो एन्जॉय पथोस का है, तो ये वाली वैरायटी जो है वो एन्जॉय पथोस है और मेरी बहुत 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 ही फेवरेट है। देखिए गोल्डन पथोस की कुछ ब्रांचेस यहाँ पे भी लगी हुई है, तो यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ गोल्डन पथोस इन माई एवरी प्लांटर, हर तरह के पौधे में, गमले में, जहाँ पर मुझे स्पेस नज़र आती है और मेरी कोई ब्रांच टूट जाती है या किसी ब्रांच में लंबी लंबी रूट्स डेवलप हो चुकी होती हैं, आई कट इट फ्रॉम देयर एंड आई इमिडिएटली शिफ्ट इनटू द सॉइल मीडिया, चाहे वो कोई भी प्लांटर हो। दिस इज़ द एमरल्ड पथोस, मच रिजेम्बलेंस विद द एन्जॉय पथोस। एन्जॉय पथोस से भी इसमें मुशाबहत है इसके कलर स्कीम में, और कुछ कुछ जेड पथोस वाले कलर्स भी लेता है। बेसिकली ये शेड में है, दैट्स वाई इसने अपने लीव सारे ही ग्रीन कर लिए। कुछ और भी प्लांट्स हैं जिसमें वैरायटीज सेम ही हैं लेकिन वो इस फ्लोर पे नहीं है, दैट्स वाई मैंने उन्हें कैप्चर्ड भी नहीं किया। तो शेयर कर दिए आपसे अपने सभी मनी प्लांट्स। सो हाउ वाज माय वीडियो, टेल मी इन कमेंट। टेक द वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।